وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى وأكون للوطن الحبيب مشيدا أنمى إليه وأستفيض جلالا وأراقب हाजरीन, आज पांचवें रुकू की तिलावत की गई है। इससे कबल चार रुकू के तर्जुमे और उसकी तफसील आपके सामने आ चुकी हैं। पहले दो रुकू में अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों की तीन कैटगरी बताई थी, एक मुस्लिमीन, दूसरे मुनकिरीन और तीसरे मुनाफिकीन। और फिर तीसरे और चौथे रुकू में अल्लाह ताला ने इंसानों को अपनी इबादत की दावत दी और उसे खिलाफत, ज़मीन की खिलाफत अता फरमाए, अपनी नियाबत अता की, जो एक ख़ुसूसी इनाम था अल्लाह तबारक व ताला का हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलात व सलाम पर और उनके ज़रिए से तमाम इंसानों पर। तो चार रुकों में उमूमी बात हो रही थी, अब यहाँ से पांचवा रुकू जो शुरू हुआ है तो यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ास तौर पर एक कौम का तज़किरा किया है। और वो कौम कोई मामूली कौम नहीं है, बल्कि एक बड़ी लंबी दास्तान है उस कौम की। एक बड़ा तवील अरसा उस कौम ने गुजारा है और जिसमें तकरीबन 4000 अंबिया किराम मबूस हुए हैं। तो उस कौम के बारे में यहाँ से बात शुरू होगी और तकरीबन 14 रुकू तक बात चलेगी। अल्लाह ताला ने उन पर क्या क्या इनामात किए और फिर उन्होंने किस तरह से उन इनामात का शुक्र अदा किया तो उरूज पर पहुँचे, और किस तरह से उन्होंने इनामात को ठुकराया और नाशुक्री की तो किस तरह से वो पस्त हुए, ये सारे तस्करे इंशाअल्लाह आएंगे। पहली आयत जो बनी इसराइल से शुरू हो रही है, या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लती। बात शुरू करने से पहले हम समझेंगे ये बनी इसराइल क्या है। उमूमन हम और आप सुनते हैं बनी इसराइल की कौम ने यह किया, बनी इसराइल की कौम ने यह किया, बनी इसराइल ऐसे किए, वो ऐसे थे। है क्या ये? हज़रत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलात वस्सलाम अल्लाह ताला के खलील थे और दो कौमें हैं, एक बनी इसराइल और एक बनी इस्माइल, और दोनों के जद्द अमजद हज़रत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलात वस्सलाम। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलात वस्सलाम मौजूदा बगदाद से 70 मील के फासले पर एक शहर है बाबुल, वहां पैदा हुए और फिर वहां से वो मिस्र के रास्ते से होते हुए शाम पहुंचे और फिर शाम से वो हिजाज पहुंचे। इन तीनों इलाके की तरफ निस्बत करते हुए उन्हें इराकी भी कहा जाता है, शामी भी कहा जाता है और हिजाजी भी कहा जाता है। इनकी दो बीवियां, एक हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा और एक हजरत सारा रजी अल्लाह ताला अन्हा, जो आपकी चचाजात बहन थीं, ये दो बीवियां थीं। हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा से
हज़रत इस्माईल आला नबी अलैहिस्सलाम पैदा हुए और हज़रत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए। वमिन वराए इसहाक याकूब, बशारत पहले दे दी गई थी कि इनके ज़रिए से तुम्हारे वारिस इसहाक और याकूब होंगे। हज़रत इसहाक अला नबी अलैहिस्सलाम के कई बेटे थे, दो बेटे जुड़वा थे जिनमें से एक का नाम आयस था और दूसरे का नाम याकूब अलैहिस्सलाम। आयस पहले पैदा हुए और कुछ देर के बाद हजरत याकूब अला नबी अलैहिस्सलाम पैदा हुए। याकूब के मानी होते हैं बाद में आने वाला। हजरत याकूब अला नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जिस्मानी साख्त बहुत मजबूत अता की थी, बड़े ढील ढोल वाले थे, बड़े कबील जुस्सा थे। लेकिन हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बनिस्बत आयस से ज्यादा मोहब्बत करते थे। उसके बरक्स हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की अहलिया हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की वालदा आयस के मुकाबले में याकूब अलैहिस्सलाम से ज्यादा मोहब्बत करती थी। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम ने याकूब अलैहिस्सलाम के जिम्मे एक काम लगाया कि जब मैं इबादत करूं तो तुम्हें दरवाजे पर खड़ा रहना है और कोई भी आ जाए उसे अंदर नहीं आने देना। एक मर्तबा आप इबादत में मसरूफ थे और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने वालिद के हुक्म के बजा लाने के लिए वो दरवाजे पे खड़े हो गए। उसी असना में एक फरिश्ता इंसानी शक्ल में आया और अंदर घुसना चाहा, उसकी कोशिश की तो उन्होंने पकड़ लिया, कभी नहीं जाने दे सकता मैं। बहुत देर तक दोनों में हुज्जत होती रही। जब हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम इबादत से फारिग होकर के बाहर निकले तो देखा हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, माशाल्लाह तुमने तो पहरेदारी का हक अदा कर दिया। फरिश्ते से तारुफ कराए कि मेरा बेटा याकूब है। उस वक्त उस फरिश्ते ने कहा, अच्छा ये तो इसराइल है, ये इसराइल है, ये इब्रानी जुबान है। इसरा कहते हैं बंदे को, अईल कहते हैं अल्लाह को। इसराइल अल्लाह का बंदा, अब्दुल्लाह बंदे खुदा। तो वहां से ये लकब मशहूर हुआ हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का और वो इसराइल के लकब से मुलकब हुए और उन्हीं के औलाद को बनी इसराइल कहा जाता है। उन्हीं की औलाद को बनी इसराइल कहा जाता है। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम ने आयस से, जो बड़ा बेटा था, उनसे कहा था कि मैं आखिर वक्त में तुम्हारे लिए खास दुआ करूंगा। जब ये बात उनकी अहलिया को पता चला, जो याकूब अलैहिस्सलाम की तरफ ज्यादा मायल थी, तो उन्होंने क्या किया कि आयस का कपड़ा पहना करके हजरत याकूब अलैहिस्सलाम इसहाक अलैहिस्सलाम के पास भेज दिया और कहा, देखो ऊंची आवाज से मत बोलना उनके सामने जाकर के, क्योंकि वो सिमरा सीधा हो गए थे, थोड़ी नजर भी कमजोर हो गई थी। तब चुपचाप खड़े रहना, वो तुम्हारे लिए दुआ कर देंगे। चुपचाप से वो जाकर के खड़े हो गए। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम ने उनके लिए दुआ की, अल्लाह ताला इनके खानदान में नबूवत को जारी फरमा दीजिए। दुआ कबूल हो गई। बाद में आयस ने याद दिलाया कि अब्बा जान आपने कहा था कि तुम्हारे लिए कुछ खसूसी दुआ करेंगे। अरे तो वो तो कर दिया मैं, कहा तो याकूब के लिए आपने किया, तो अब दुआ उसके मुकद्दर थी, वो हो चुका। खैर तुम्हें भी महरूम नहीं करूंगा। और फिर आपने उनके लिए दुआ की कि अल्लाह इसके खानदान में बादशाह अता फरमा। ये दो नेमतें
अब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की जो नस्ल चली है ईसा अलैहिस्सलाम तक 4000 अंबिया किराम और रसूल मबूस हुए। और इस पीरियड में जो बादशाह हुए ज्यादातर आयश के खानदान से बादशाह हुए। जब हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ, इस दुनिया से रुखसत हुए, तो आयश ने उनकी तमाम जायदाद पे कब्जा कर लिया। और दुनिया का दस्तूर यह है कि जिसके पास माल उसके पास दुनियादार। याकूब अलैहिस्सलाम बेचारे जो है दुनिया से खाली आदमी, कुछ नहीं उनके पास। तो उनकी वालदा को तकलीफ हुई और उन्होंने कहा ऐसा करो तुम मेरे भाई के पास चले जाओ, तुम मेरे भाई के पास चले जाओ। उनका नाम लायान था, जो याकूब अलैहिस्सलाम के मामू लगे। बड़ी दौलत से अल्लाह ने उन्हें नवाजा था और कई बेटियां थी उनकी। कहा तुम उनके पास जाओ, वो तुम्हें रखेंगे और वो अपनी बेटी से निकाह कर देंगे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने मामू के पास गए, वो देख करके बहुत खुश हुए और उन्होंने अपने बड़ी बच्ची का निकाह हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से कर दिया और कहा घबराने तुमको मैं यही रखना, मेरे पास रहना। लिहाजा वो उनके पास रहने लगे। उस साल के बाद याकूब अलैहिस्सलाम की वो अहलिया इंतकाल कर गई तो उनके मामू ने दूसरी बेटी से निकाह कर दिया, उनसे कुछ औलादें हुई, फिर उनका इंतकाल हो गया। फिर मामू ने तीसरी बेटी का निकाह कर दिया, उनसे भी कुछ औलादें हुई, फिर उनका भी इंतकाल हुआ। फिर चौथी बेटी का भी निकाह कर दिया। तब आपकी उम्र मुबारक तकरीबन 40 साल हो चुकी थी और अल्लाह ने आपको नबूवत से सरफराज किया और हुक्म हुआ कि अब आप यहां से कनान चले जाएं, वहां पर जाकर के लोगों को तौहीद का नगमा सुनाएं और बुत परस्ती से उनके गर्दन छुड़ाएं और एक अल्लाह की वहदानियत की दावत दें। जब ये बात उनके मामू को खबर लगी तो उन्होंने कहा तुम्हारे जाने से मुझे तकलीफ तो होगी ही, तुम्हारी जो जुदाई से हमें बड़ा अलम होगा, लेकिन अल्लाह का हुक्म है इसलिए मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, जाओ और साथ साथ अपनी अहलिया को भी लेकर के जाओ। लिहाजा उन्होंने इजाजत दी और ढेर सारे तोहफे दिए, 500 घोड़े, 500 ऊंट, 500 खच्चर, 500 भेड़े और दीगर साधो सामान के साथ उन्हें रुखसत किया। जब आप वहां से निकले तो रास्ते में जब आयश को मालूम हुआ कि हमारे भाई आ रहे हैं तो उन्होंने भी भरपूर इस्तकबाल किया याकूब अलैहिस्सलाम का और कहा कि अल्लाह ने आपको नबूवत से सरफराज किया है, दुआ फरमा दीजिए कि अल्लाह हमारे खानदान में भी नबूवत जारी कर। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने उनके लिए भी दुआ की। तो वही के जरिए से यह बताया गया कि आयश के खानदान में दो जलील कदर नबी पैदा होंगे, एक हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम और दूसरे ज़ुल्करनैन, जो एक बादशाह भी थे और अल्लाह के नबी भी थे। ये दो आयश के खानदान में पैदा हुए। बहरहाल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम कनान तशरीफ ले गए दावत की गरज से और वहां पर दावत शुरू हुई। ये सारी नेमतें थीं, 4000 अंबिया किराम और बादशाहों का सिलसिला, ये सारी नेमतें अल्लाह ताला ने किसे दी? बनी इसराइल को दी। अल्लाह यहां फरमा रहा है या बनी इसराइल अज़कुरु निअमती अल्लती, ऐ इसराइल के औलादों मेरी उन नेमतों को याद करो जो मैंने तुम्हें अता की हैं। उन नेमतों का तकाजा तो यह था कि तुम अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बनते और अल्लाह की इबादत करते, अल्लाह के अलावा किसी को अपना इलाह नहीं मानते, लेकिन तुम तो नाशुक्री पे उतरे हुए हो। मेरी उन नेमतों को याद करो जो मैंने तुम्हें अता की थी। वऊफू बिअहदी उफी बिअहदिकुम व इय्याया फरहबून, और जो अंबिया किराम तुम्हारे पास आए और उनके जरिए से जो सहीफे आई और जो किताबें हमने नाजिल की उनमें जो बातें लिखी हुई थी और उन नबियों ने जो बातें बताई हैं और जिसका तुमने अहद लिया है, तौरात में आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा मौजूद है, इंजील में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा मौजूद है, कुरान करीम आखिरी किताब होगी मौजूद है, ये सारी बातों का तुमसे अहद लिया जा चुका है,
लिहाजा अब आखिरी नबी आ चुके हैं, किताब नाजिल हो चुकी है, तुम अपना वादा पूरा करो, आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार करो और कुरान मजीद को अल्लाह की आखिरी किताब मानो, तुम इसको मान करके अपना वादा पूरा करो, फिर हम अपना वादा पूरा करेंगे कि तुम्हें जहन्नम से बचाएंगे और जन्नत की नेमत से सरफराज कर देंगे। औफू बियाहदी उफी बियाहदिकुम, तुम अपना वादा पूरा करो, हम अपना वादा पूरा करेंगे। वइय्याया फरहबून, और सिर्फ मुझे से डरो। बनी इसराइल का हाल यह था कि उन्होंने सोचा कि अगर हम हक को कबूल कर लेंगे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी तस्लीम कर लेंगे, कुरान करीम अल्लाह की किताब इसकी तस्दीक कर देंगे, तो हमारी कौम के लोग क्या कहेंगे, हमारे कौम के लोग हमसे दूर हो जाएंगे। अल्लाह फरमा रहा है तुमको उनकी दूरी का डर सता रहा है, तुम्हें तो मुझसे डरना चाहिए। वइय्याया फरहबून, तुम उनसे न डरो, अपनी कौम के लोगों से, अपनी कौम के अफराद से, अपने करीबी रिश्तेदारों से डरने का कोई जवाब नहीं, डरना है तो मुझसे डरो। वइय्याया फरहबून, मेरा डर तुम्हारे दिलों में होना चाहिए। वआमिनू बिमा अनज़ल्तु मुसद्दिकन लिमा मअकुम वला तकूनू अव्वल काफिरिन बिह ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون, और मान लो उस किताब को जो मैंने नाजिल किया है और तुम्हारे पास जो पहले से मौजूद है उसकी तस्दीक करने वाली, उस किताब को मान लो, उस पर ईमान ले आओ। ولا تكونوا أول كافر بي, और सब कुछ जानते हुए भी, आप सीरत की किताब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने चचा के साथ शाम के सफर पर जाते हैं तो वो राहिबी था जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियों को देख करके पहचानता है। तो यहूदी और अहले किताब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत अच्छी तरह जानते थे कि अल्लाह के नबी है। दूसरी जगह तो अल्लाह ताला ने ऐसे इरशाद फरमाया है, यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाहुम, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे पहचानते जैसे अपने बच्चों को पहचानते हैं। वो जानते हैं अल्लाह के आखिरी नबी, वो जानते हैं कुरान अल्लाह की किताब है। तो अल्लाह फरमा रहा कि जानते बूझते हुए भी तुम इनकार करने में सबकत क्यों ले जा रहे हो, तुम तो सब कुछ जानते हो कि अल्लाह के आखिरी नबी, तुम तो सब कुछ जानते हो कि अल्लाह की आखिरी किताब है, और तुम तो इंतजार भी कर रहे थे, तुम तो आखिरी नबी के मुंतजिर थे, और तुम आखिरी नबी के हवाले से दुआएं मांगा किया करते थे। दीगर कौमों पर तुम अपना रोब जमाने के लिए उसे कहते थे कि मेरा एक नबी आने वाला है जो वक्त करीब है और उसके साथ मिलकर के हम तुमसे जंग करेंगे। अब क्या हो गया तुम्हें, जब वो नबी आ गया, वो किताब आ गई, तो फिर तुम उसका इनकार क्यों कर रहे हो, उनकी दुश्मनी में तुम हद से बाहर हद से तजावज क्यों कर रहे हो। वला तकुनु अव्वल काफिरिन भी, जिद में और हठधर्मी में और तअस्सुब की बुनियाद पर तुम इनकार करने वालों में सबकत न ले जाओ। वला तश्तरू बिआयाती समानन कलीला, तुम्हें यह डर सता रहा है कि हम हक को कबूल कर लेंगे, रिसालत का इकरार कर लेंगे, कुरान की तस्दीक कर देंगे तो हमारी चौधराहट खत्म हो जाएगी, हमारी रईसी खत्म हो जाएगी, हमारी सरदारी खत्म हो जाएगी। तुम्हें इस बात का डर, ये रईसी, ये सरदारी, ये चौधराहट क्या है, ये मामूली चीजें, दुनिया की मामूली होंगे, इन थोड़ी सी चीजों के चीली चलते तुम हमारी आयात का इनकार कर रहे हो। वला तश्तरू में आयाती समानन कलीला, हमारी आयतों को चंद कौड़ियों में न बेचो, चंद ओहदों में और चंद टकों में न इसका सौदा करो। वला तश्तरू में आयाती समानन कलीला वइय्याया फत्तकून, देखो डरना है तो मुझसे डरो, मेरा तकवा अख्तियार करो, बचो मुझसे, मेरे अजाब से बचो। وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, इस आयत को समझने के लिए आपको इस पस मंजर को याद रखना होगा कि अरब में जहालत आम थी, नाखंदगी आम थी। उस वक्त भी अगर कोई साहब इल्म तसव्वुर किया जाता था, पढ़ा लिखा तसव्वुर किया जाता था, तो यही यहूदी और अहले किताब। लिहाजा जब आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत हुई
तो चूंकि मक्का वाले और मक्का वाले से ज्यादा मदीना वाले, चूंकि मदीना में ये लोग रहते थे, रोजाना का मेल जोल था, वो जानते थे कि साहब किताब है, वो जानते थे कि साहब इल्म है, वो जानते थे कि नबी को मानने वाले। लिहाजा जब आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हुए तो मक्का के लोग भी आकर के यहूदियों से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछते थे कि तुम तो एक भी नबी के मानने वाले हो, तुम भी एक किताब के मानने वाले हो, जरा बताओ इनके बारे में कि इनका जो कहना है क्या सच है। तो फिर वो उन आयतों को छुपा देते थे जो तौरात में लिखा हुआ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, जो इंजील में लिखा हुआ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, उन आयतों को वो छुपा देते थे और साफ नहीं बताते थे। इसी तरह जब आप मदीना आए तो मदीना वाले भी सवाल करने लगे उनसे कि आप जरा बताएं इनके बारे में। तो फिर वो हक और बातिल को गड़मट कर देते थे, गोल मोल बातें करते थे, वो साफ नहीं कहते थे। वो इनकार तो नहीं कर सकते थे तौहीद का, वो इनकार नहीं कर सकते थे आखिरत का, वो इनकार नहीं कर सकते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उसूल और जो तालीमात दी थी उनका, वो जारेक इनकार भी नहीं करते थे, लेकिन वो खुल करके उसके एतराफ भी नहीं करते थे, बल्कि ऐसी बात करते थे ताकि लोगों के दिलों में शक पैदा हो जाए और मशकूक बना करके हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को उनके सामने पेश करते थे। अल्लाह फरमाता है वला तलबिसुल हक बिल बातिल, हक को बातिल को मिलाओ नहीं, और वतक्तुमुल हक, हक को छुपाओ नहीं, वअंतुम तालमून, बावजूद इसके कि तुम साहब इल्म हो, तुम इल्म रखते हो, तुम्हें सब कुछ मालूम है, उसके बावजूद भी तुम हक को छुपा रहे हो, कितमान हक कर रहे हो, ये बड़ी नाइंसाफी है। अब इंशाअल्लाह आगे की जो बात है वकीमुस्सलाह से, ये इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ता इस पर गुफ्तगू होगी और इसकी तफसील आपके सामने आएगी। ये बातें जो मैंने आज बनी इसराइल से मुतालिक की हैं, ये हैरत मौलाना सूफ़ी अब्दुल हमीद सुवाती रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर में तफसीर अजीज़ के हवाले से नकल किया है। ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी आप नोट किया कीजिए और याद किया कीजिए, फिर 3 महीने के बाद हम प्रोग्राम रखेंगे तो सवाल करेंगे आपसे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सब से कहने से ज़्यादा सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अदा फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।